47% के पार्ट 47 में पार्ट 46 वाला ही प्रॉब्लम है जिसको दूसरी विधि से बतलाने जा रहे हैं। चीनी के दाम में 10% की कमी हो जाने से एक आदमी 18 रुपया में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य प्राप्त करें। चीनी के दाम में 10% की कमी आती है तो कोई व्यक्ति 18 रुपया में पहले जितना लेता था, अब 10% कमी के कारण 1 किलो अधिक चीनी इसको मिल जाती है। यह इसका अर्थ हुआ तो चीनी के दाम में 10% की कमी हो जाने से तो चीनी का कुछ न कुछ तो दाम होगा। तो मान लो ₹100 किलो चीनी है, ₹100 प्रति किलोग्राम, समझा। माना कि चीनी का पहले वाला मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 100 रुपया में 1 किलोग्राम देता है, तो वो व्यक्ति कितना चीनी लेता है? 18 रुपया का चीनी खरीदता है। पहले दाम 10% घटा, उससे पहले भी 18 रुपया का लेता था, 10% दाम घट गया है तो अभी भी 18 रुपया का ही लेता है, लेकिन 1 किलो अधिक चीनी मिलती है। तो माना कि चीनी का पहले वाला मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम, तो व्यक्ति 18 रुपये में कितना लेता होगा? तो इसका क्या अर्थ हुआ? 100 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी मिलती है, हुआ ना? या प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम चीनी का दाम 100 रुपया है, दोनों अर्थ हुआ। तो 18 रुपया में कितना लेता था ये निकालना है, तो 100 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी मिलती है, क्योंकि पहले 100 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी मिलती थी, इसीलिए पहले 1 रुपया में कितनी मिलती होगी? 1/x किलोग्राम चीनी मिलती थी। अब व्यक्ति लेता था 18 रुपया का लेता था ना, तो पहले कितना लेता था ये निकाल रहे हैं। तो पहले 18 रुपया में 1/x × 18 किलोग्राम चीनी मिलती थी, इसका अर्थ हुआ अतः पहले 18 रुपया में खरीदा गया चीनी, 18 रुपया में कितना? तो 18 × 1 = 18/x किलोग्राम होगा, तू समझा? हाँ। 18/x किलोग्राम। अब देखो 10% दाम में कमी आ गई, यानी 100 रुपये वाला चीनी कैसे हो गया बोलो तो? 90 रुपये किलो।
देखो चीनी के दाम में 10% की कमी आई, इसका अर्थ समझो, अर्थात 100 रुपये किलोग्राम वाला चीनी 100-10 रुपये किलोग्राम बराबर 10% की कमी, तो 100 में 10 कम हो गया, यानी 100-10 यानी 90 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का रेट हो गया, अर्थात 100 रुपये किलोग्राम वाला चीनी 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, यही ना है इसका अर्थ। व्यक्ति को 18 रुपया में कैसे मिलेगा, तो देखो क्योंकि 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, इसीलिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी 90 रुपये प्रति किलोग्राम बटा कैसे 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, इसीलिए एक्स रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी, ये जीरो कट गया, रुपया रुपया केजी केजी सब कुछ कट गया, तो 9/10 गुने एक्स रुपये प्रति किलोग्राम, एक नियम से होगा, ये कितना हो गया 9x/10 रुपये प्रति किलोग्राम, समझा बात को, 10% दाम जो घटा तो नया रेट पता करोगे ना जी, जी कैसे हो गया अब नया रेट, नया 100 रुपये किलोग्राम वाला चीनी 90 रुपये किलोग्राम हो गया, 10 रुपये किलोग्राम घट गया, 10% कमी, इसीलिए 1 रुपये किलोग्राम वाला चीनी एक एक नियम से 90 रुपये किलोग्राम बटा 100 रुपये किलोग्राम, रुपया किलोग्राम कट गया, 0-0 कट गया, 9/10 हुआ, इसीलिए 100 रुपये किलोग्राम वाला चीनी तो 9/100 किलोग्राम, यानी 100 रुपये किलोग्राम वाला चीनी कैसे हो गया 9x/10 रुपये किलोग्राम, 10% दाम घटने से, समझा यहाँ तक, हाँ चलो उतारो उतारो, देखो ये चीनी का नया दाम निकल गया ना, चीनी का जैसे 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी कैसे हो गया 9x/10 रुपये प्रति किलोग्राम, ये नया दाम 10% घट जाने के बाद, देखो दाम में 10% की कमी आने पर चीनी का नया दाम 9x/10 रुपये प्रति किलोग्राम, व्यक्ति कितना का खरीदता है 18 रुपया का, देख रहे हो पहले जब चीनी का दाम नहीं घटा था तब
यानी पहले व्यक्ति के द्वारा 18 रुपया में खरीदा गया चीनी 18/8 किलोग्राम निकला है ना, चीनी का जब ये नया दाम हो गया तब 18 रुपया में इसको कितनी चीनी मिलेगी निकालना होगा, तो 9x/10 रुपया में प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम चीनी, क्योंकि 9x/10 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी मिलती है ना नया दाम के अनुसार, बोलो इसीलिए 1 रुपया में कितनी चीनी, कितने 1/9x/10 किलोग्राम चीनी, ये हो जाएगा तुमको 10/9x किलोग्राम चीनी मिलेगी। लेता है कितना रुपया का, 18 रुपया का, इसीलिए 18 रुपया में 10/9x × 18 kg, तो ये कट गया 9 × 18 10 × 2 यानी 20/x kg चीनी मिलेगी। बोलो 18 रुपया में क्या, चलो देखो तो व्यक्ति 18 रुपया में 20/x किलो चीनी खरीदता है दाम घट जाने के बाद, इतना समझा, देखो व्यक्ति 18 रुपया में अब 20/x किलो चीनी लेता है, वही व्यक्ति 18 रुपया में पहले कितना लेता था, तो देखो 18/x किलो हम बता दिए हैं, पहले 18 रुपया में 18/x किलो चीनी लेता था, यहीं पर हिसाब का निर्णायक मोड़ है, ध्यान से समझो, पहले 18 रुपया में 18/x किलो चीनी लेता था, 10% दाम घट गया है तो अब 18 रुपया में 20/x किलो चीनी लेता है किलोग्राम, कहता है अब जो ले रहा है 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, 10% दाम घट गया तो अब जो चीनी ले रहा है 20/x किलोग्राम पारा 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, इसका क्या अर्थ हुआ, अभी खरीद रहा है जो चीनी 1 किलोग्राम अधिक है 10% दाम घट गया, अभी खरीद रहा है तुमको, देखो प्रश्न से क्या है, प्रश्न से
ध्यान से देखो प्रश्न का ये टर्निंग पॉइंट, व्यक्ति द्वारा वर्तमान में खरीदा गया चीनी दाम घट जाने से, वर्तमान में खरीदा गया चीनी पहले खरीदी गई चीनी से 1 किलोग्राम अधिक, पहले अगर 10 किलोग्राम खरीदा गया तो 10 किलोग्राम चीनी से 1 किलोग्राम अधिक, यानी 10 × 2 = 1 लिखाएगा, बोलो। तो वर्तमान में खरीदा गया चीनी कितना है, पहले खरीदी गई चीनी से 1 किलोग्राम अधिक, वर्तमान में कितना चीनी खरीदा गया है बोलो तो, 18 रुपया में, ये 18 रुपया में अब 20/x किलोग्राम चीनी खरीदता है, यानी वर्तमान में 20/x किलोग्राम चीनी 18 रुपया में ले रहा है, तो ये हो जाएगा 20/x किलोग्राम वर्तमान में खरीदा गया चीनी इतना है, बराबर पहले खरीदी गई चीनी से 1 किलोग्राम अधिक, पहले खरीदी गई चीनी मान लो जितना है उससे 1 किलोग्राम अधिक, मान लो 10 किलोग्राम से 1 किलोग्राम अधिक, तो 10 किलोग्राम + 1 किलोग्राम लिखेंगे। तो इसी तरह पहले खरीदी गई चीनी से 1 किलोग्राम चीनी अधिक, तो पहले खरीदी गई चीनी कितना है, तो 18 रुपया में पहले 18/x किलोग्राम चीनी पर दे, 18/x किलोग्राम से 1 किलोग्राम अधिक, अधिक में 1 किलोग्राम जोड़ेंगे होगा, समझा यहाँ पर, चलो इसको उतारो। तो हम लोग को ये इक्वेशन आया है, किलोग्राम कॉमन है हट जाएगा तो 20/x बराबर 18/x + 1 को हल करोगे तो 2 एक्स इसको माने थे हम लोग, माना वाले वाला चीनी 1 kg चीनी 100 रुपया में वर्तमान में, पहले 1 kg चीनी 100 रुपया में, आता ₹2 प्रति किलोग्राम ₹1 प्रति किलोग्राम का, और 10% दाम घट जाने के बाद नया दाम, तो नया दाम देखो कितना आया होगा, ये आया होगा 9x/10 रुपया प्रति किलोग्राम, यही ना है, तो 9x/2/10 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 9 × 18 = 10 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम अंतर। क्वेश्चन तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, तुम इधर तू लोग समझ गया दोनों विधि से, ऐसा हिसाब पहले भी बनाया है, यही सब हिसाब है परसेंटेज में ब्रेन बढ़ाने वाला हिसाब, समझाना।
एक विधि से और बनेगी तो ओवरलैप कर जाएगा, दो ही विधि रहने दो। 40 पाठ में पहली विधि बतलाए, इसमें दूसरी विधि है ना।